अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर एहतिशाम जान भट्ट। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, और उसके साथ मैं सीएसएस के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूं, और पिछले 15 साल से इसके साथ वाबस्ता हूं। आज के इस छोटे सी वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले एक साल से जिसने हमारे माशरे को बुरी तरह तकसीम कर दिया, पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वो ठीक था, गलत था, उसके अखलाकी पहलू क्या थे, व्हाटसोएवर। और दूसरा, आज जब इलेक्शन के टाइम से रिलेटेड डिलेइंग टैक्टिक्स या फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो भाई क्या ये लोग गलत थे उस वक्त या ये आज ये लोग गलत। दूसरी चीज, जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो काफी लोग, बशमूल मैं भी, हम ये राय रखते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईन प्रिवेल करना चाहिए, और इमरान गवर्नमेंट आईन को प्रिवेल नहीं करवा रही, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसके अकॉर्डिंगली फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी जो है वो प्रैक्टिस वो करनी पड़ी हुकूमत को, चाहे जितना भी रोका, डिले करने की कोशिश की। आज हैरत अंगेज तौर पर 80-90% वो लोग जो यहां कहते थे, जो हक में थे आइन के, आज वो खामोश हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये देखने जाएंगे कि बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन, आईन क्या कहता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, और आईन क्या कहता है इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि यही दो बातें, और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को और अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए आईन की अपनी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस बनाने की कोशिश करती है। तो पहली स्टेज पे हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान के अगेंस्ट आया, आईन का आर्टिकल 95 एक्सप्लिसिटली डील करता है जी, ठीक है जी। आईन के आर्टिकल 95 में ये लिखा हुआ कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो कम अज कम 20% members, MNAs, उसको मूव करेंगे। आप कह दें लॉन्च करेंगे, ठीक है जी, मूव करेंगे, ठीक है जी, कम अज कम, यानी हमारी 342 की असेंबली है तो कम अज कम 20% पहले उसको मूव करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उस पर बहस होगी। 3 दिन से 7 दिन, इसमें जना मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 दिन, या इन कह रहा है आर्टिकल 95, 3 से 7 दिन में उस पर वोटिंग होगी, ठीक है जी, ना 3 दिन से पहले होगी ना 7 दिन के बाद होगी, ठीक है जी। हां, एक कदगन है, एक शर्त है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता अगर कोई बजट से रिलेटेड सेशंस चल रहे हैं ना जी, तो तब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो February-March 2022, तो कोई बजट का सेशन तो नहीं थी जी, तो ठीक है जी, ये कदगन भी नहीं लगती। 20% से ज्यादा ने MNAs ने मूव करवाया था, हाँ जी मूव करवाया था।
क्या 3 से 7 दिन में वोटिंग हुई? नहीं, इसको डिले करवाने की कोशिश की गई उस वक्त, ठीक है जी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया करवाओ, तो फिर करवानी पड़ी। इस दरमियान में इमरान खान गवर्नमेंट क्या इंटरप्रेट कर रही थी इस 95 को, कि जी नेशनल असेंबली का स्पीकर वो जो रूलिंग पास कर दे, वो जो रूलिंग दे दे, उसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते रूलिंग। जी बिल्कुल ठीक बात है, चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो उसकी नेशनल असेंबली के मामलात को चलाने से रिलेटेड बात है। यहां आईन का 95 उसका इतलाक करना, तो वो अपनी सुप्रीम इंटरनल मैटर नेशनल असेंबली के जैसे मर्जी चलाए, प्रोसीडिंग्स जैसे मर्जी चलाए, लेकिन आईन की जहां बात आ जाएगी वहां पर वो अपनी रूलिंग नहीं चला सकते। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर की इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में इसको फोकियत दी, नहीं जी नहीं, स्पीकर की रूलिंग आ गई, स्पीकर की रूलिंग आ गई, ठीक है जी। ये आवाम को गुमराह किया गया, अपना एक बयानिया बनाया गया। अल्टीमेटली तो फिर यही चीफ जस्टिस, यही जुडिशरी उसके फैसले के मुताबिक आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे। आइन क्या कहता है, 95 की किसी भी प्रोविजन में, 4 मेन प्रोविजन है 95 की, उसमें कोई किसी किस्म की कोई इबाम नहीं। सो एक तो ये, तो उस वक्त की हुकूमत ने मामले को ड्रैग करने की कोशिश की, डिले करने की कोशिश की, ये गलत थे जी। उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट गलत थी, आईन की एक प्रोविजन को पूरा नहीं करने दे रहे थे, गलत इंटरप्रिटेशंस बना रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की। दैट्स इट, इट्स सिंपल। हमने भी इसको गलत कहा उस वक्त, मेरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, मेरी ऑनलाइन इस पे वीडियोस भी मौजूद हैं, हमने भी इसको गलत कहा। आज क्या हो रहा है, आज खामोशी है काफी, आज देखते हैं फिर कि आज क्या हो रहा है। आज को देखने के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को देखना है जी, आर्टिकल 224, ठीक है जी। आर्टिकल 224 डील करता है टाइम ऑफ इलेक्शन, ठीक है जी। अब ये बहुत जरूरी है इसको समझना, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि कौन गलत है, क्या पीटीआई की गवर्नमेंट गलत थी या आज पीडीएम की गवर्नमेंट गलत है। आर्टिकल 224 टाइम ऑफ इलेक्शन को डील करते हैं, हम प्योर कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे और कहीं से कोई बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 224 इसकी प्रोविजंस क्या कहती हैं जी, वो देख लेते हैं। एक प्रोविजन तो इसकी कहती है कि एक जनरल इलेक्शन, गौर से सुनिएगा जी, टू नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, अगर वो असेंबली अपनी टर्म पूरी कर लेती है, पूरा 5 साल का उसका टेन्योर पूरा हो जाता, ठीक है जी, तो इसके
60 डेज बाद जनरल इलेक्शन होगा, ठीक है जी। निचली फिर प्रोविजन आपको बताती है कि अगर इन 60 डेज में पाकिस्तान कौन चलाएगा, तो वो जनाब केयर टेकर सेटअप चलाएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, ताकि साफ शिफाफ इलेक्शन हो सके, ठीक है जी। एक और प्रोविजन दूसरी, अगर कोई नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, या ये इस या पे, इस और पे जरा बहुत फोकस होएगा, आईन में दर्ज है, ये हम अपने पास से नहीं डाल रहे, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व कर दी जाती है, ठीक है, अपना टर्म पूरा नहीं करती, अगर वो डिसॉल्व कर दी जाती है, तो फिर 90 डेज में इलेक्शन हो, ठीक है जी। आगे इलेक्शन कमीशन 14 दिनों में उसका रिजल्ट इशू करेगा, वो एक अलग बात। 90 डेज, इन 90 डेज के लिए वही केयर टेकर सेटअप होगा, और केयर सेट केयर टेकर सेटअप कैसे आएगा, अगर नेशनल असेंबली है, अब यहां इस अगर पे फोकस, नेशनल असेंबली है तो जनाब जाने वाला वजीर आजम प्लस अपोजिशन लीडर ये फैसला करेंगे, ना कर सकेंगे तो फिर अगली प्रोविजन तो वो है, ठीक है जी। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली में वजीर आला, जाने वाला वजीर आला प्लस अपोजिशन लीडर कर लेंगे तो कमेटी, फिर कमेटी नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है अपॉइंट कर देगा, चलो वो तो है, तो लेकिन केयर टेकर सेटअप हो, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। ऐसी कोई शर्त आईन में दर्ज नहीं है कि सब असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ हों, और एंड नहीं है अ जनरल इलेक्शन टू नेशनल असेंबली और या प्रोविंशियल असेंबली, अगर यहां होता ना एंड तो मीनिंग ही चेंज हो जाता, ठीक है जी। When a general assembly and provincial assembly is dissolved, यहां पे फिर एंड अगर लगा दें तो मतलब एक साथ की तशबी आ रही है, जब आ रहा है और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, या मतलब अलहदा अलहदा भी टर्में पूरी हो सकती हैं, आइन कोई शर्त नहीं लगा रहा कि असेंबलियां एक ही दिन बने, एक ही दिन खत्म हो, आइन में कोई शर्त नहीं है ऐसी, हर हाल में पूरे पाकिस्तान में इंटरिम सेटअप हो, नहीं जिस सूबे का इलेक्शन या वफाक का इलेक्शन है तो वफाक की हुकूमत इंटरिम हो, उस सूबे की हुकूमत हो, तो मीनिंग देर बाय आज की पीडीएम वही हरकतें कर रही है जो एक साल पहले की पीटीआई की हुकूमत कर रही थी, कि आज ही अपने वोटर को और अपना बयानिया बना रही कि जी आईन में अबूरी हुकूमत का भी तो जिक्र है, जी अबूरी हुकूमत का जिक्र है तो अबूरी हुकूमत तो पंजाब में है, लेकिन आईन में ये तो नहीं लिखा हुआ कि जी अगर किसी एक सूबे या नेशनल असेंबली का इलेक्शन कराना तो जी पूरे पाकिस्तान में अबूरी सेटअप हो। ये अब कयास है फिर कि कल को क्या होगा, तो आइन तो इन कयासों पे नहीं चल रहा कि जी मर्दमशुमारी हो रही है, तो भाई 224 में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि अगर मर्दमशुमारी हो रही हो, जिस तरह 95 में लिखा ना कि अगर बजट का सेशन चल रहा है तब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यहां कोई अगर है ऐसा, ऐसा तो कोई भी नहीं।
और अगर यह है भी ये अगर का वर्ड, तो वो तो इस बात पे है कि भाई कैसे आपने केयर टेकर बनाना ना जी। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी उसने कैसे बनाना है, अगर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होगी उसने कैसे बनाना। सो इस बात को समझें कि अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनानी तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो कर रही थी वो भी गलत, पीडीएम की गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी गलत। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन, ये आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, इलेक्शन कमीशन उसने शेड्यूल मनोहन सुप्रीम कोर्ट का अनाउंस कर दिया 14 मई के इलेक्शन का, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन ने कोई कंटेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी ठीक है फैसला आ गया कर देते। अब क्या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, डिफेंस, इंटीरियर, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज, क्या ये बहाने बना सकते हैं, ये लेटर लिख के दे सकते हैं कि जी मुल्क में सिक्योरिटी के खदशात हैं तो ये है तो वो है तो हम सर्विसेज नहीं दे सकते, हम ट्रुप्स नहीं दे सकते, हम इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते, नहीं तो नतीज की जिम्मेदारी होगी जी चीफ जस्टिस पे, इलेक्शन कमिश्नर पे। तो फिर आईन का 220 आर्टिकल, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन, तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उनकी ये ड्यूटी है कि वो फेडरेशन को, प्रोविंसेस को असिस्ट करें, ठीक है जी, फेडरेशन और प्रोविंसेस के इलेक्शन असिस्ट करें इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन अपने फंक्शंस सही तरह अदा कर सके। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अब क्या ये तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट भी आ जाती है, तो क्या ये अब अपनी ड्यूटीज पूरी करेंगे? अब केस इस पैटर्न पे चलना है, अब 224 को की बात नहीं चलनी। अब सवाल ये है कि आईन की शिक 220 कहती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, डिफेंस का डिपार्टमेंट, इंटीरियर, चीफ सेक्रेटरीज, आईजी, सब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, उसी डिफेंस के अंडर फिर आपकी बाकी सारी फिर आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटीरियर के अंडर, तो अब वो क्या अपनी ड्यूटी पूरी करेंगी? करनी तो चाहिए, नहीं करेंगी तो क्या लाया मलोक। सो काइंडली अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं या पीडीएम के सपोर्टर हैं तो दोहरे मयार ना रखें। ये वाजिया नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट डिले चाहती है, इनके कुछ अपने लॉजिकल रीजंस हैं, कुछ इलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन आईन क्या कहता है उस पे चल। ये मैटर नहीं करता कि 9 जज थे फिर 7 रह गए, ठीक है, फिर 4 छोड़ गए फिर 3 रह गए, 3 का फैसला आ गया, ये मैटर नहीं करता। फैसला आ गया, आप या फैसले को चैलेंज करें, तो चैलेंज तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं होने दिया, इलेक्शन कमीशन फ्री का है, गवर्नमेंट तो फ्री की नहीं थी। अगर आप इस रिट पिटीशन को पढ़े ना, ये पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस हुआ, हुकूमत तो फ्री की को नहीं,
तो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, उन्होंने तो इसको चैलेंज ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 14 मई का शेड्यूल हमने दे दिया जी, जो आपने काम करते थे। अब आ जानिए बात 220 में, इट शैल बी द ड्यूटी। सो खुदारा आइन क्या कहता है पहले उसको समझ लें, बजाय इसके कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो उसकी सपोर्ट में आप अंधे हो जाए, ऐसा ना करें। उस वक्त भी गलत हुआ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टाइम पे नहीं करवाया जा रहा था, और आज भी आईन के मुताबिक गलत हो रहा। थैंक यू।